साथियों सुप्रभात, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आइए हम सभी राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी में प्रकाशित भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र को रेखांकित करती हुई इस सुंदर कविता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन सुनते चलें। और कभी भी जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार न मानते हुए अनवरत संघर्ष करते हुए कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लेते चलें। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय यदि तो आधा हो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला था जो असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मीनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति जनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। जिव्या से कड़ती ज्वाल सघन, जिव्या से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंजता हूँ लोचन, मैं तभी मूंजता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ। याचना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाक का डोलेगा, फणशेष नाक का डोलेगा, विकराल कार्य काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे,
वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सवासन सब लोग डरे, थी सवासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न घाते थे, केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र से हम आइए संकल्प लें, कभी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में हार न मानने की हम प्रेरणा लेते चलें, हमेशा जीवन में कर्म करते रहने की। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।